हेलो एंड वेलकम एवरी वन, माई सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज इलुस्ट्रेशन ऑफ CMA फाइनल पेपर नंबर 15 स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। सो टुडे वी विल सॉल्व इलुस्ट्रेशन नंबर 6। बिफोर सॉल्विंग इलुस्ट्रेशन नंबर 6, वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज टारगेट कॉस्टिंग। सो टारगेट कॉस्टिंग इज बेसिकली वॉट इट इज। टारगेट कॉस्टिंग इज इक्वल टू टारगेटेड सेलिंग प्राइस माइनस टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन। ओके, सो बेसिकली हर एक कंपनी में सेलिंग प्राइस, उन लोग का जो भी टारगेटेड सेलिंग प्राइस होता है वो डिसाइड किया हुआ होता है। सो उसमें से उन लोग का जो टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर हम लोग ने माइनस किया तो हम लोग को टारगेट कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, बेसिकली हम लोग को पता है कि हम लोग को कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट करते हैं। सो इधर भी वही करना है, बट टारगेटेड मतलब जितना टारगेट रखा है कंपनी ने उतना। सो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन टारगेटेड अगर करेंगे तो हम लोग को टारगेट कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी बेसिक थिंग दैट टू गेट टारगेट कॉस्ट वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ टारगेटेड सेलिंग प्राइस माइनस टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन। सिंपली वी हैव टू डिडक्ट द प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द सेलिंग प्राइस सो दैट विल गेट टारगेटेड कॉस्ट दैट इज टारगेट कॉस्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द इलुस्ट्रेशन नंबर 6। सो इलुस्ट्रेशन नंबर 6, सी बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स अ प्रोडक्ट एट ₹1,000 पर यूनिट। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस दैट इज 1,000 पर यूनिट। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटेटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाय 15%। सो ड्यू टू कॉम्पिटिशन वी नो दैट वी हैव टू रिड्यूस द प्राइजेज अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन। सो हियर बी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस बाय 20%। सो दिस बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिड्यूस इट्स अ प्राइस बाय 20%। जनरली अदर कॉम्पिटिटर्स हैव रिड्यूस्ड बाय 15%, बट दिस बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिड्यूस बाय 20% एंड expects that the present volume of 150,000 units per annum will increase to 2 lakh. okay, so present volume that is 150,000 units which will be increased up to 2 lakh. okay, so number of units will be 2 lakh. We wants to earn 10% target profit on sales. so this is the profit margin. profit ka percentage hum log ko diya hai that is on sales. okay, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है दैट इज़ सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि टारगेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो सेल्स मिलने के बाद हम लोग इजीली टारगेटेड जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को टारगेटेड कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सो दीज आर द कॉस्ट ओके विच कंपनी इनकर्ड। सो ये जो भी है वो कॉस्ट दिया है, पर यूनिट है सब कुछ, एग्जिस्टिंग इतना है और टारगेट इतना है। ओके, सो कंपनी इज़ कीपिंग द टारगेट ऑफ दिस मच कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इट इज़ गिवन लाइक दैट। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो दिस इज सिंपली अ टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये जो है वो टोटल दिया है इन तीनों का। सो इसको अगर नहीं देखा तो भी चलेगा, कन्फ्यूजन होता है जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन रीड करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ टोटल। ओके, दीज आर द कॉस्ट एंड दिस इज द टोटल। ठीक है, आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इन दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट इज ₹80 पर ऑर्डर। सो दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड दिस इज द रेट पर ऑर्डर। ओके, लाइक दैट टेस्टिंग आर्स दैट इज रेट इज 2 पर आर एंड नंबर ऑफ आर्स इज 30 लैक्स। ओके, यूनिट्स रीवर्क ₹100 पर यूनिट। सो 13,000 इज द यूनिट्स रीवर्क एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ₹100 पर यूनिट। सो रीवर्क करने का जो भी खर्चा आता है वो 13,000 के ऊपर हम लोग को 100 के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है। ओके, आफ्टर दैट सी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अलोकेटेड यूजिंग रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। बेसिकली अदर कॉस्ट जो भी है वो हम लोग को दिया है, रिसर्च एंड डिज़ाइन दैट इज़ 50 एंड दिस मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज दैट इज़ 130। दीज ऑल आर द पर यूनिट। सी ऑल आर द पर यूनिट कॉस्ट, दिस बोथ आर द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, now most important part that what we are required to compute. okay, so required to compute, see calculate target cost per unit which is very easy. okay,
selling price minus profit margin, so we'll get targeted cost, okay, per unit. And target cost for the proposed volume, break up of different elements. So we have to find out total target cost and we have to break up it according to these cost. Question is very simple, but we have to understand what we are going to calculate, okay. So first part is very easy. After solving the question, you will be able to understand properly. And after that, prepare target profit, target product profitability statement. So simply we have to multiply by number of units so that we'll be able to prepare this target product profitability statement. So target product profitability statement कुछ नहीं है, जो भी हम लोग ये ब्रेकअप करेंगे कॉस्ट का उससे सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो हम लोग को अमाउंट्स मिलेंगे और फाइनली कितना प्रॉफिट हो रहा है वो समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड देर आफ्टर वी हैव टू गो फॉर ब्रेकअप ऑफ दैट टारगेट कॉस्ट. ओके, सो फर्स्ट टास्क इज टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. सी, calculation of target cost per unit. Okay, for that we have to find out selling price, targeted selling price we have to find out. See, existing selling price is 100 per unit, right? And see, B wants to respond aggressively by cutting the price by 20%. Okay, सो हम लोग का जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज एग्जिस्टिंग प्राइस 1000 पर यूनिट है, राइट. सो 1000 है, उसको बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कट कर रही है बाय 20%. इसका मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा 20%. सो हियर 1000 के ऊपर 20% जो भी रहेगा वो हम लोग को माइनस करना है. ओके, सो 1000 में से 20% माइनस करना है. सी, 1000 का 20% होता है 200. So we have to simply minus it, so it is 800. Okay, so selling price, that is targeted selling price, is 800. It's very simple. Okay, after that hum log ko profit margin, targeted profit margin find out karna hai. See, expect that the present volume of 150,000 units per annum will increase to 2 lakh. Okay, so units, number of units, that is 2 lakh. अभी फिलहाल इधर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पर यूनिट का फाइंड आउट कर रहे हैं. सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट नंबर ऑफ यूनिट्स आर 2 लाख. आफ्टर दैट बी वांट्स टू अर्न 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल. ओके, सो 10% ऑन सेल बोला है. ओके, सो 10% ऑन सेल, एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स. सी, हमारा हम लोग का सेल्स कितना है 800. ओके, 800 के ऊपर 10% बोला है. ओके, दैट इज़ 80. अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है, तो सिंपली हम लोग टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. सी, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन. सो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन, सो वी विल इजीली गेट टारगेट कॉस्ट, दैट इज 720. सो टारगेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज ₹720. ओके, ₹720. ओके, सो फाइनली वी गॉट हाफ आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. आफ्टर दैट वी हैव टू शो ब्रेकअप ऑफ दिस टारगेट कॉस्ट. इसका मतलब ये जो टोटल है 720, उसमें डायरेक्ट मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, उसका जस्ट सिंपली ब्रेकअप हम लोग को शो करना है. आधा से ज़्यादा जो भी फिगर्स है, अमाउंट्स है, जो भी वो क्वेश्चन में दिया है, बाकी का हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वी हैव टू फोकस ऑन टारगेटेड कॉस्ट. ओके, दिस डोंट लुक एट दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन दिस. सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, इट इज 385. ओके, टारगेट वाला देखना है. सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 385. लाइक दैट हम लोग को नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, सी इट इज 50. एंड डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, एवरीथिंग इज पर यूनिट, सो वी आर टेकिंग दैट. सो इट इज 50 एंड 60. ओके, सिंपली वी हैव टू एड एवरीथिंग. आफ्टर दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी
हम लोग ने इधर तक तो रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये जो है वो टोटल है. सो डोंट लुक एट दिस, जस्ट इग्नोर दिस टोटल. वी डोंट वांट दिस टोटल. ओके, टोटल हम लोग बाद में करेंगे. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. उसमें है नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो इधर हम लोग को मिलेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट. ओके, सो दिस इज पर ऑर्डर एंड वी वांट पर यूनिट. ओके, दिस इज पर ऑर्डर एंड वी वांट पर यूनिट. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? दैट इज 21,250. एंड एक ऑर्डर के लिए 80 का हम लोग को कॉस्ट आ रहा है. ओके, ऑर्डर पर कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट पर ऑर्डर. सी नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट इज 21,250. ओके, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट. पर ऑर्डर का जो भी रहता है वो इतना दिया है. ओके, चेक करते हैं हम लोग टोटल अमाउंट. 21,250 मल्टीप्लाइड बाय 80, सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट, दैट इज़ ₹17 लाख्स. ओके, बट हम लोग को कैसे चाहिए? पर यूनिट चाहिए. सो पर यूनिट चाहिए तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, और हमारा जो न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो 2 लाख है. ओके, सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस. सो दिस इज़ द अमाउंट एंड वी वॉन्ट पर यूनिट कॉस्ट. सो दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, दैट इज़ 2 लाख. सो न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है. सी न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट इज़ 2 लाख. सो 17 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, वी आर गेटिंग 8.5. सो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट. ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 8.5. ओके, सिंपली वी हैव टू ऐड 8.5. लाइक दैट वी हैव टू कंप्यूट टेस्टिंग कॉस्ट. ओके, सेम वे. सी टेस्टिंग आवर्स रेट इज टू रुपीज 2 पर आवर एंड नंबर ऑफ आवर्स दैट इज 30 लाख. ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स 30 लाख्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट पर आवर इज 2, सो अमाउंट विल बी रुपीज 60 लाख्स. ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट एंड वी वॉन्ट पर यूनिट, सो दैट्स वाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो 60 लाख्स डिवाइड बाय 2 लाख, सो इट इज 30 रुपीज 30. सो सिंपली वी हैव टू राइट हियर 30. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रीवर्क. ओके, नेक्स्ट इज रीवर्क दैट इज ₹100 पर यूनिट एंड दिस नंबर ऑफ यूनिट्स रीवर्क दैट इज 13,000. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 13,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज ₹100 पर यूनिट. सो टोटल अमाउंट विल बी 13 लाख, राइट? 13 लाख. सो दिस इज द टोटल अमाउंट एंड वी वॉन्ट पर यूनिट, सो दैट्स वाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 2 लाख. सो हियर 13 लाख डिवाइड बाय 2 लाख. ओके, 6.5. सो वी हैव टू एड कॉस्ट दैट इज 6.5. ठीक है, इधर तक तो वेरी सिंपल पार्ट है सब. अभी नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है, सॉरी रिकॉर्ड करना है रिसर्च एंड डिज़ाइन, बिकॉज ये जो दोनों कॉस्ट है वो रेडीमेड दिया है. सी इधर तक हम लोग का हो गया, उसके बाद क्या है ना, ये कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है. सो रिसर्च एंड डिज़ाइन इट इज़ 50 एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस इट इज़ 130. बोथ आर पर यूनिट, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, वी कैन रिकॉर्ड डिरेक्टली. सो पर यूनिट है तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिसर्च एंड डिज़ाइन 50 है और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस इट इज़ 130 है. ओके, और ये जो 180 दिया है वो जस्ट टोटल है, सो उसको इग्नोर करना है. अभी हम लोग टोटल लेके चेक करेंगे कि हम लोग का जो टारगेटेड कॉस्ट है उसका ब्रेकअप सही है कि नहीं. टोटल इतना आना चाहिए तभी हम लोग का सही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. 385 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 8.5 प्लस 30 प्लस 6.5 प्लस 50 प्लस 130. ओके, 130, इट इज़ 720. सो करेक्ट है, ₹720. ओके, ₹720 टोटल टारगेटेड कॉस्ट पर यूनिट, इट इज़ 720. सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड द ब्रेकअप ऑफ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. ओके, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू गो फॉर सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी वेरी ईजी. ओके, विच इज़ वेरी ईजी. सी क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी हैव टू शो टारगेट प्रोडक्ट
profitability statement. So basically profitability statement we have to show. First of all, we have to record sales and we have to deduct all the cost, and so that we'll get the profit, because it is a profitability statement, so ultimate answer will be profit. ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है तो हम लोग का अल्टीमेट आंसर प्रॉफिट होना चाहिए. सो इसके लिए हम लोग ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स हम लोग को रिकॉर्ड करना है. सी टारगेटेड सेलिंग प्राइस. सो सेल्स का पर यूनिट कितना है? 800 हम लोग ने फाइंड आउट किया है. सो सेल्स का पर यूनिट 800. पहले हम लोग पर यूनिट का कॉलम फिल करके लेंगे, बाद में ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल. सी डायरेक्ट मटेरियल इट इज 385. वी आर जस्ट कॉपिंग, नथिंग अनदर देन दैट. ओके सॉरी, वी हैव टू राइट हियर ना, डायरेक्ट मटेरियल इट इज 385. आफ्टर दैट डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सी डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 and 60. ओके 50 and 60. ठीक है, आफ्टर दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट ओके, वी हैव टू माइनस ऑल दिस थिंग्स, सो विल पुट ब्रैकेट सो दैट will remember easily that we have to minus it. Next is ordering cost. Ordering cost is 8.5. okay, so ordering cost hum log record karenge 8.5. uske baad hai testing cost. So testing cost is 30. Testing cost is 30. Next is rework cost. Rework cost is 6.5. okay, so rework cost is 6.5. After deducting all this cost, we'll get gross margin. Okay, we'll get gross margin. आप लोग ने directly सारे cost minus करने के बाद find out किया तो भी चलेगा, कोई problem नहीं है. लेकिन हम लोग के textbook में ऐसा किया है तो हम लोग वही format use करेंगे. Okay, so 800 minus this 385 minus 50 minus 60 minus 8.5 minus 30 minus 6.5. So this gross margin, it is 260. Okay, we are getting gross margin 260. After that operating cost, which is already given in the question, that is research and design and marketing and customer service, both are given in the question, 50 and 130. So simply we have to record it 50 and 130. We have to minus from gross margin, so bracket 260 minus 50 minus 130. So finally we are getting targeted profit, that is operating profit rupees 80. Okay, sab kuch rupees mein hi hai, lekin ye final answer hai, iske liye hum log rupees likh rahe. So 80, see target profit is rupees 80 and here also it is 80. So now it's very easy, बिकॉज दिस इज़ पर यूनिट एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फुल अमाउंट. ओके, ये जो है वो पर यूनिट का कॉलम है और इधर हम लोग को फुल अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ यूनिट्स है हम लोग का 2 lakh यूनिट्स, और इधर जो आएगा वो अमाउंट रहेगा, इसके लिए हम लोग ने इधर रुपीज़ लिखा है. ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट्स है 2 lakh और जो आएगा वो अमाउंट हम लोग इधर लिखेंगे. सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, सो फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे. 2 lakh मल्टीप्लाइड बाई 800, दैट इज 16 crore. ओके, जो भी अमाउंट है वो हम लोग को लिखना है, लेकिन जो ज़ीरो है वो अच्छे से काउंट करके लिखो. सो 0000 and 0000. ओके, इट इज 16 crore. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट दैट इज 2 lakh मल्टीप्लाइड बाय 385, इट इज 7 crore 70 lakhs. ओके, 7 crore 70 lakhs. After that 2 lakh multiplied by 50, it is 1 crore. It is 1 crore. Okay, fine, it is 1 crore. After that next 2 lakh multiplied by 60, it is 1 crore 20 lakh. 1 crore 20 lakhs. ठीक है, after that 2 lakh multiplied by 8.5, it is 17 lakhs. Okay, 17 lakhs. After that 2 lakh multiplied by 30, it is 60 lakhs. So 60 lakhs. After that 2 lakh multiplied by 6.5, that is 13 lakhs. ठीक है, now we have to minus all these figures because bracket is there, no? So we'll put just bracket.
इसका मतलब सेल्स में से हम लोग को ये सारे कॉस्ट माइनस करना है। अगर आप लोग ने सेल्स में से माइनस किया तो भी सेम ही आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आएगा। सो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 260, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 260, इट इज़ 5 करोड़ 20 लैक्स, 5 करोड़ 20 लैक्स। सो 5 करोड़ 20 लैक्स, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50, इट इज़ 1 करोड़, इट इज़ 1 करोड़, ओके, 1 करोड़। नेक्स्ट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 130, सो इट इज़ 2 करोड़ 60 लैक्स, ओके, 2 करोड़ 60 लैक्स, ठीक है। वी हैव टू माइनस इट, सो ब्रैकेट। नाउ लास्ट वन, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट, दैट इज 80, सो फाइनली प्रॉफिट इज 1 करोड़ 60 लैक्स, 1 करोड़ 60 लैक्स, ओके, रुपीज 1 करोड़ 60 लैक्स, 1 करोड़ 60 लैक्स, ठीक है। सो फाइनली वी हैव गिवन देम, दैट इज टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सो टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम लोग का इधर रेडी हो गया है। जो भी फाइनल हम लोग का प्रॉफिट है हम लोग ने इधर दे दिया है। सो वी हैव गिवन आंसर ऑफ बोथ दी क्वेश्चंस विच वी आर आस्क इन द क्वेश्चन, ओके, सी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलुस्ट्रेशन नंबर 6। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स, एंड प्लीज़ चेक माई चैनल्स प्लेलिस्ट टू गेट मोर वीडियोज़ ऑन वेरियस टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।